was pharmacy when you were the student of pharmacy? No, it was something like if you are trying for MBBS and you don't get admission, then there comes the point that you go for this because you have a tag of top. See, fortunately, unfortunately, that was the only point when we started early in 2010, and there were very few students, those who joined pharmacy by purpose. I mean, they knew that pharmacy we have to do. Otherwise, mostly 70% of the people who were coming from this reason that if you want to become a doctor, you can become a doctor from here. And similarly, awareness was not there. Community mein bhi awareness nahi thi. Uska reason ye tha ke medical stores hai ya hospitals even ho gaye, to wahan par bhi kuch 2-4-6 hospitals ke alawa pharmacists nahi hote the kahin par bhi, aur zyada tar industry mein log kaam karte the ya fir bahar jate the aur bahar kaam kar rahe hote the, to logon ko itna nahi pata tha. Even I remembered ki main 2012 mein pass out hua tha, to मैं पास आउट हुआ जी, उन्होंने पूछा क्या मैं डॉक्टर बने, दवाइयों के डॉक्टर का कंपाउंडर बने, मैंने कहा जी कंपाउंडर बने. तो इट वाज समथिंग लाइक दैट. 2012 में हमने स्टार्ट किया था, हम घर में पूरे 10 साल पीछे भी नहीं है, तो इस तरह से स्टार्ट हुआ था तब. व्हाट वर द हिंड्रेंसेस इन अचीविंग योर गोल एज अ फार्मासिस्ट एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दैट सिचुएशन? सो मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे मैंने 2012 का बताया, और आज की बात करूं तो बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं. फॉर इंस्टेंस के पहले कम्युनिटी कॉन्सेप्ट नहीं था. मैंने कहा कि फार्मासिस्ट जो है वो कम्युनिटी में ही पहचाना जा सकता है, बिकॉज के वहाँ पर ही मासेस होते हैं ना, जहाँ पे लोगों से आपका इंटरेक्शन हो सकता है. तो विषय के जी फर्द कायम, रब्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं. तो इसी तरह से फार्मासिस्ट भी जो है वो कम्युनिटी में ही आएगा, तो पता लगेगा लोगों को फार्मासिस्ट क्या है. अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे, इंडस्ट्री में चले जाएंगे, तो वो फिर आप नहीं उस तरह से पहचान में आ रहे होते, लोग नहीं समझ पा रहे होते कि आप किस तरह से अपॉर्ड कर सकते हैं, या एट टाइम्स आप अपने वो डॉक्टर का जो आपने एक प्रीफिक्स यूज किया होता है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज कि आपको सीधी प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ना नहीं आ रही होती. तो उस टाइम पे बहुत सारी मुश्किलें थी. एक रीज़न यही था कि NCPP नर्सिंग कम्युनिटी फॉर्मेशन पाकिस्तान 2015-16 के अंदर स्टार्ट हुई. वहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि कम्युनिटी फॉर्मेशन होनी चाहिए, और बाहर 70% लोग कम्युनिटी फॉर्मेशन में जाते हैं, पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं है. हमने मासिस में कैंपेन्स की, ऑल पाकिस्तान कैंपेन्स की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कैंप्स लगाए, फिर इस तरह करके एक फॉर्मेसी स्टार्ट हुई, दबागो स्टार्ट हुई, देन और फॉर्मेसी स्टार्ट हुई. आज तो अब ऐसे ही हर महीने में ऐसा लगता है कि एक दो चेंज और आ रही है, जब इन कर रही है. तो नाउ काफ़ी आसानी इसलिए आसे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. जब हम चाह रहे थे तो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो हमने स्ट्रगल स्टार्ट की कि पहले अवेयरनेस शुरू करें, देन अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी. वाज देयर अ टाइम व्हेन यू वांटेड टू चेंज योर प्रोफेशन, एंड इफ यस देन व्हाई? Oh no. So I thankfully I will not have to answer you why, because के मेरा नहीं ख्याल कि मेरी ज़िंदगी में या फार्मेसी करियर में एक मिनट भी आया जब मुझे लगा कि नहीं कुछ और कर लेना चाहिए या कुछ और कर लेते हैं, बिकॉज के आई एम ट्रू बिलीवर. अगर आपने एक शेर सुना होगा, मैं यूजली पहले भी सुना रहा होता हूँ कि एक शेर है बड़ा मशहूर कि जी मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने. तो मैंने बहुत ज़्यादा कम्युनिटी फॉर्मेशन की जब अवेयरनेस दे रहे थे, मैंने इसको बोल्ड करके ट्वीट किया थोड़ा सा, एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि जी मैं क्यों तलाश है लहू में अपना लहू बर्बाद करूँ, फकत एक बूंद पे भी जी जाते हैं दीवाने. तो वॉट इज़ अवेलेबल इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव. तो ये हो जाता, वो हो जाता, ये कर लेते, ये सपोर्ट मिल जाती, तो वो सारी एक्सक्यूजेज हैं. वॉट एवर इज़ अवेलेबल इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव, एंड इसके साथ ही आपने आगे बढ़ना है अपने एक पैशन के साथ. तो आई नेवर थॉट कि जी मैं चेंज कर लूँ या मुझे चेंज करना चाहिए. व्हाट आर द चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व्ड इन पब्लिक आफ्टर एन इमर्जिंग रोल ऑफ फार्मासिस्ट? सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कोविड के दरमियान सारी ओपीडीज बंद थी, ठीक है, सारी ओपीडीज बंद हो गई, सारी चीज़ें बंद हो गई थी. मासेस जो थे वो फार्मेसीज की तरफ डाइवर्ट हुए, एंड थैंकफुली अवेलेबल थे हमारे पास फार्मेसीज अच्छी मकदार में. तो लोगों ने आके अवेयरनेस ली, उनसे चीज़ें पूछी, डिस्कशंस की, एंड नाउ ये पॉइंट है कि लोग घर से फोन करके पूछते हैं कि जी फलां फार्मेसिस्ट अवेलेबल है, तो मेरी मदर ने उनसे जो है ना थोड़ी सी गाइडेंस देनी है, तो इस तरह से लोग आ रहे होते हैं. तो नाउ इसीलिए अब आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर पहले फार्मेसिस्ट नहीं थे और बिजनेस चल रहा था, नाउ दे आर हायरिंग फार्मेसिस्ट एंड दे आर पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग इट कि जी फार्मेसिस्ट अवेलेबल है. What do you think? Where will pharmacy profession stand after 10 to 12 years? I believe that
नेक्स्ट 5 ईयर्स, नॉट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपके पास एक मार्जिन में डिफरेंस होगा. एज ऑफ नाउ अवेलेबिलिटी हो रही है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये अवेलेबिलिटी अच्छी मिकदार में बहुत सारी फार्मेसीज में अवेलेबल होंगे, बहुत सारी चेंज इंशाल्लाह आपके पास होंगी. एंड देन इन अनदर नेक्स्ट 5 ईयर्स आपके पास जो हम कहते हैं कि रोल नहीं होगा, अभी शायद डिस्पेंसिंग करें, यस वी आर डूइंग डिस्पेंसिंग, बट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स फिर आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप स्पेसिफाइड काउंसलिंग कर रहे होंगे, आप मंथली मेडिकेशन की काउंसलिंग कर रहे होंगे, आप इंटरवेंशन कर रहे होंगे, आप हेल्थ केयर रिसर्च में हेल्प कर रहे होंगे, बिकॉज यू आर इन टू द कम्युनिटी, यू नो कि कौन सी डिजीज ज्यादा प्रिवेल कर रही है. तो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स यू विल बी प्लेइंग अ बिग रोल इन द हेल्थ केयर सेटअप इंशाल्लाह. Describe a situation when you went out of your way to provide an exceptional performance. When you are into the community, वैसे मैं इसको out of the way नहीं बोलूँगा, because being a healthcare professional, हमने to the last mile जाना ही होता है ना, हमारे पास कोई option नहीं होता कि हम किसी के साथ mood के हिसाब से कम support कर दें, किसी को ज़्यादा कर दें. But yes, there are instances कि जी for instance के भी किसी थोड़े दिन की पहले की बात है, किसी की कॉल आई, they wanted कि जी oxymeter चाहिए, तो I guided them the normal process के साथ, ये process है और लेकिन 9 बज गए तो आपको कल मिल जाएगा, एंड आप इस करीब वाली ब्रांच पे कर रहे हैं, तो ही टोल्ड मी कि जी अच्छा चले कोई बात नहीं, बस मुझे भी कोविड हो गया, मेरी वाइफ को भी हो, मेरी एक बेटी है उसको भी कोविड है, तो हम शायद बाहर नहीं निकल पाएंगे. तो खैर मैंने देने दिया, किसी को अलाइन किया, एंड नेक्स्ट 10 मिनट्स हमको डिलीवर हेम के लिए एक थर्मामीटर भी और उनको एक साथ में ऑक्सीमीटर भी डिलीवर करवाया. एंड उसके बाद दैट वॉज नॉर्मल, आई वॉन्ट से कि जी हम बहुत आउट ऑफ द वे गए, बट उसके बाद जो उनका मैसेज आया दैट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग, बहुत लंबा सा मैसेज जो है उनकी लिखी हुई थी, एंड दिस इज समहाउ योर रूटीन एंड दैट व्हाट गिव्स यू प्लेजर व्हेन यू आर वर्किंग टू अ कम्युनिटी. तो इसी में आपको मजा भी आ रहा होता है कि जब आपको ये दवाएं मिलती हैं. हाउ कैन अ फार्मासिस्ट बी अ हेल्प ऑफ कम्युनिटी? Pharmacists can be help of community to see to their literacy rate ka aapko idea hai hamare country mein we are developing country not a well developed country to aapke paas logon mein awareness nahi hai bahut sari cheezon ki. If you still see ke ji hum thele pe burger khate hain to hum sasta wala kha lete hain wahi burger ya us किसी अच्छे होटल में जाते हैं तो वी नो कि जी वहाँ पैसे ज़्यादा होंगे क्योंकि स्टैंडर्ड्स हैं, बट वेन इट कम्स टू मेडिसिन तो हम ढूंढते हैं कि जो हमें 15% कहीं से डिस्काउंट मिल जाए या शायद इससे भी ज़्यादा कहीं से मिल जाए, नो मैटर कि वो दवाई ठेले पे रखी हुई है या कोठे पे रखी हुई है या टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरमेंट में रखी हुई है. तो ये अवेयरनेस है लोगों को देनी है, सबसे ज़्यादा फायदा तो ये होगा कि आप अवेयरनेस दे रहे होंगे. ठीक है, चेंज जो है हमेशा मुश्किल से आता है, उसके फेजेज होते हैं जिसमें से पहले रिफ्यूजल है, डिक्लाइन है, देन अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस आ रही होते हैं, देन आप आगे की तरफ जा रहे होते हैं. तो अभी हम उस फेज को गुजारने के लिए आपको कुछ बाशऊर लोग चाहिए जो कि आई बिलीव के फार्मासिस्ट होते हैं. ठीक है, दे आर वेल इक्विप्ड, वो गाइड कर रहे होते हैं. इसी तरह कोई भी बीमारी आएगी, कोई भी कोविड है, कोविड के अंदर आपने कितनी अवेयरनेस लोगों को दी है, हर लोगों के पास सारी अवेयरनेस नहीं होती, इंग्लिश उर्दू आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप गाइड कर सकते हैं. तो बीइंग अवेलेबल देयर अराउंड द क्लॉक यू कैन हेल्प आउट देम विद एवरीथिंग. कोई अवेयरनेस आ रही है हेपेटाइटिस की, आपने उस फार्मेसी के बाहर एक अपना बैनर लगा दिया है कम्युनिटी फार्मेसी के बाहर, इसी तरह आपने कोई छोटा सा मैसेज बना के लोगों को देना शुरू कर दिया, राउंड द क्लॉक आपका पूरा हेल्थ कैलेंडर होता है, आप उसको फॉलो करके लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो आप प्रिवेंशन वाली साइड पे हेल्प आउट कर सकते हैं. सिमिलरली आप जिस तरह से मैंने कहा कि रिसर्च में हेल्प आउट करेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में हेल्प आउट करेंगे, तो आप हेल्थ बजट जो है उसको यूटिलाइज करने में हेल्प आउट कर सकते हैं, नॉट नाउ बट मे बी डाउन द लाइन नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स. तो आप वहाँ पर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. इसको मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि फॉर इंस्टेंस एक एरिया है जहाँ पर शायद पानी का मसला है, सेवरेज का पानी मिक्स होकर आता है, तो वहाँ पर गैस्ट्रो प्रिवेल कर रहा होगा, इसी तरह किसी और एरिया में कोई और परेशानी होगी, डिपेंडिंग कि जो दवाइयाँ किस बीमारियाँ किस तरह से प्रिवेल करती हैं. तो आप जब ये डाटा दे रहे होंगे और आप साथ में गाइडेंस दे रहे होंगे, तो मे बी नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द मेडिसिन, बट शायद उस सेवरेज का मसला हल करने का सोचें या उनकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का सोचें जो कचरे की वजह से होगी, तो अल्टीमेटली आप हेल्थ बटन कम कर रहे होंगे इंशाल्लाह. How do you keep your knowledge up to date with the current pharmacy practice, new drugs and trends? All right. So, books hum padh lete hain, with all due respect and including myself,
कि हम जब पास आउट होते तो हमें बहुत थोड़ा सा पता होता है, वी वांट टू बी कॉल्ड एज अ डॉक्टर, बट हमें नहीं पता होता फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली देयर इज नथिंग फॉर्चुनेट अबाउट इट कि हमें पैनाडोल की शायद डोज भी नहीं पता होती। ठीक है, तो एक तो पहले ये कि जब आप पास आउट हो रहे हैं, व्हेन यू आर प्लानिंग कि जी आपने हेल्थ केयर में आ रहे हैं, तो देयर आर नो इफ एंड बट्स, फिर आपको थोड़ा सा फोकस होकर अपना सब्जेक्ट बेहतर रखना पड़ेगा। ठीक है, फार्माकोलॉजी का एंड फार्माथेरेप्यूटिक्स का, प्लस ये कि अप टू डेट रहने के लिए पहले आप आ जाए लेवल पे, एंड देन अप टू डेट रहने के लिए आप एक तो ये कि आपके सामने कोई भी ड्रग आती है तो आपने उसको पढ़ना है ठीक से। ठीक है, आपने उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा एक अप टू डेट वेबसाइट है, लेकिन वो शायद सबको अवेलेबल नहीं हो, मेडस्केप पे अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, मेडस्केप पे अकाउंट स्टूडेंट्स का भी बनता है, प्रोफेशनल्स का भी बनता है, उसमें फार्मासिस्ट भी होते हैं। फार्मासिस्ट के बाद आपकी कौन सी स्पेशलिटी है, फॉर इंस्टेंस आप फार्मासिस्ट ने बता यू वांट टू बी अ चैंपियन इन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, तो आप उनको बता दें मेरा इंटरेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव में है। अब दुनिया के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव में जो चीज़ होगी वो आपको उसका मैसेज भेजेंगे, उसका जो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन का मटेरियल आएगा वो आपको भेजेंगे, आप वो टेस्ट दें, उनको पढ़ें पहले, फिर उसके आंसर सॉल्व करें, देन सर्टिफिकेशन भी मिलती रहेगी, आपके क्रेडिट आर्ट्स भी आते रहेंगे, एंड देन आपको जो भी नई मेडिसिन एफडीए अप्रूव कर रहा होगा वो आपकी उसकी आपको एक अपडेट मिलती रहेगी, आपको ईमेल्स भी आती रहेंगी, आप अप टू डेट से पढ़ सकते हैं। देन उसके अलावा माइक्रोमेडिक्स है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आप ये सारे काम कर सकते हैं, बट मेडिस्केप इज वन थिंग दैट इज फ्री, सो वो आप आराम से कर सकते हैं। एंड व्हेन यू ज्वाइन एनी हॉस्पिटल तो आपको वहाँ अप टू डेट का एक्सेस भी मिल जाता है, माइक्रोमेडिक्स का एक्सेस भी मिल जाता है। आर यू हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद योर प्रोफेशन? इट इज सो, आई बिलीव यू मस्ट हैव felt so during the discussion. I am a proud pharmacist, Alhamdulillah. How is your experience with NCPP? My experience, what I'm doing today is somehow because of NCPP, Nursery Community Pharmacy in Pakistan. Iska Urdu mein matlab hota hai ki पौधे जो पौधा है उसको नर्चर, जिस तरह पौधे को नर्चर करते हैं इस तरह कम्युनिटी फार्मेसी को नर्चर करना। सो जिस टाइम ये कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी नहीं थी, वो बीच लगाया था जो मैंने आपको बताया कि हम सारी जगह पे जाके कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, प्लस रोडों पे खड़े हो गए कैंप लगा दिए, सिविल हॉस्पिटल के बाहर कैंप लगा दिए, सो के लिए लोग एक्सपायर मेडिसिन भी ले रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि दवाइयाँ कैसे खानी है, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। देन देयर केम अ पॉइंट कि ड्रग मार्ट आया, देन उसके बाद दबागो आया, ना दबागो इज हैविंग 40+ फार्मेसीज ऑपरेटिंग अराउंड द सिटी, प्लस वी आर मूविंग टू अप कंट्री। ठीक है, उसके अलावा दी केमिस्ट है आपके पास, और बहुत सारे नाम हैं जो कि अब आ गए हैं, जो कि कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, एंड दे आर बेसिकली कॉम्पिटिशन में नहीं आ रहे, जो कि इन्वायरमेंट को बेहतर कर रहे हैं। तो ये I'll definitely give the credit to NCPP कि उन्होंने awareness start की लोगों में, and then to the investors, to the management, जिन्होंने ये सोचा कि हम इसमें invest करें, because business बहुत सारे भी हैं। तो NCPP, मुझे तो NCPP ने इस तरफ लगाया कि जी आपने कम्युनिटी में कुछ करना है, और बाहर 70% लोग होते हैं, यहाँ पे 7-8% लोग होते हैं या नहीं होते, सिर्फ लाइसेंस लगा होता है दीवार पे और तस्वीर लगी होती है फार्मासिस्ट की, क्योंकि वो कंप्लायंस चाहिए। तो उस शब्द निकल के ना हो, इवन इफ आई टॉक position, we are having 100+ pharmacists, Alhamdulillah, in the community, and the number will grow. How do you sum up your journey as a pharmacist? My journey as a pharmacist is very good, because I have been tasting different medicines. In terms of I started as a hospital pharmacist at AKUH, then I did some good amount of teaching for 3.5 years as a lecturer in Dow College of Pharmacy, where I was primarily enjoying hospital ward rounds, and then I started my career as a community pharmacist with Dawagu back in 2018, and it's now 3.5 years, and we are into a super rocket speed. We are here to make a difference, inshallah, and we'll make a difference, inshallah. Any message for the pharmacy students and the new pharmacist in the field? So, mera message bahut simple hai. अपने साथ और अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिफाई कीजिएगा। मैं कल भी एक फेसबुक का पोस्ट लगाया था, उसमें ये लिखा था कि अभी जंग चल रही है कि जी मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होते हैं कि नहीं होते, हमें डॉक्टर बोलने दें या ना बोलने दें। सो मैंने उसी पर अपना 5 साल पुराना पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें ये लिखा था कि जी डॉक्टर, अगर डॉक्टर लगा के रख जाएंगे तो शायद आप फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे का मतलब ये, बिकॉज यस वी आर डॉक्टर्स, हम ऑथराइज हैं, बट
हम अगर सिर्फ डॉक्टर बोलेंगे तो शायद हम मिक्स हो जाएंगे किसी और तबके के साथ। हमें फार्मासिस्ट को साथ में हाईलाइट करना है ताकि लोगों को पता लगे कि फार्मासिस्ट क्या होता है, अदरवाइज आप खो जाएंगे। एंड व्हेन यू वांट टू बी कॉल्ड डॉक्टर एंड यू वांट टू बी कॉल्ड फार्मासिस्ट, तो उस हिसाब से उसको जस्टिफाई करने के लिए जो नॉलेज आपको चाहिए वो कोशिश करें कि रिटेन करें या रिवाइज करें या फिर साथ में अपग्रेड करते रहें। जिस तरह से आपने पीछे भी पूछा तो अच्छा कॉम्पिटिटर है, तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बट अपने साथ ऑनेस्ट रहें, अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट रहें। जिस चीज़ में भी फोकस करना चाहते हैं उसको उतनी ड्यू एफर्ट दें जितनी आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई फोकस कर रहा है तो आपको उतनी अटेंशन मिले, तो आपका प्रोफेशन आपसे वो ऑनेस्टी चाहता है और वो डेडिकेशन चाहता है। इंशाल्लाह इसमें आप भी आगे बढ़ेंगे, आपका प्रोफेशन भी आगे बढ़ेगा।